बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉलम की एज बिल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है जिसके कॉलम की एज बिल्ट अलाइनमेंट हमने चेक करनी है कि हमारे कॉलम ठीक लगे हुए हैं या नहीं। उसके लिए सबसे पहले मैं टोट स्टेशन 1203 को यूज़ कर रहा हूँ। कॉलम के करीब किसी भी जगह पर बगैर किसी भी एम के जस्ट हमने अपनी टोट स्टेशन को बबल कर लेना है। टोट स्टेशन को बबल करने के बाद अब हम 1203 टोट स्टेशन की सर्वे विंडो को ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑप्शन को यूज़ करना है। इसलिए अब हम अपनी टोट स्टेशन के आईपीस को उस कॉलम की तरफ मूव कर रहे हैं जिसको हमने चेक करना है। टोट स्टेशन को हॉरिजेंटली रोटेट करके हमने कॉलम की तरफ करने के बाद अब टोट स्टेशन के आईपीस को यूज़ करते हुए चेक कर लेना है कि हमारे टोट स्टेशन का आईपीस उस कॉलम पर सेट हो चुका है या नहीं। चलते हैं टोट स्टेशन के डिस्प्ले की तरफ। टोट स्टेशन की सेटिंग में जाकर हमने यहाँ रिफ्लेक्टरलेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि हम लेज़र को यूज़ करते हुए कॉलम तक अपना हॉरिजेंटल डिस्टेंस चेक कर सकें। अब हम विदाउट प्रिज्म के लेज़र को यूज़ करते हुए टोट स्टेशन से लेकर कॉलम तक का हॉरिजेंटल डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अब कॉलम के बॉटम पर मैंने डिस्टेंस चेक किया है, मेरा डिस्टेंस 7.916 आ रहा है। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो टोट स्टेशन ने हमारा कैलकुलेट किया है, मीटर टेप को यूज़ करते हुए मैं दिखा रहा हूँ कि टोट स्टेशन के सेंटर से लेकर कॉलम के बॉटम तक का ये डिस्टेंस हमारी टोट स्टेशन ने कैलकुलेट किया है। कॉलम के बॉटम तक तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक कर लिया है। अब हमने कॉलम के टॉप तक टेलीस्कोप को मूव करते हुए अब कॉलम के टॉप पर डिस्टेंस चेक करना है। कॉलम के टॉप पर टेलीस्कोप को सेट करने के बाद अब हम दोबारा से टोट स्टेशन के डिस्प्ले में आकर डिस्टेंस बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉलम के टॉप का डिस्टेंस रिसीव हो जाएगा। कॉलम के बॉटम एंड टॉप का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करने से हमें पता चला है कि हमारे कॉलम की वर्टिकल लाइन में 1.5 सेंटी का डिफरेंस आ रहा है। कॉलम की फ्रंट साइड से हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ज़रिए अलाइनमेंट चेक कर ली है। अब हम कॉलम की साइड पर टोट स्टेशन के क्रॉस हेयर को सेट करने के बाद कॉलम की साइड से कॉलम की अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। कॉलम के टॉप पर हमने क्रॉस हेयर सेट करने के बाद टेलीस्कोप को मूव करते हुए कॉलम के बॉटम तक लाना है, क्योंकि जब हम कॉलम के टॉप पर क्रॉस हेयर सेट करेंगे वही क्रॉस हेयर हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट में कॉलम के बॉटम पर आकर जिस जगह पर टच होंगे वहाँ हमने अपने पास कॉलम के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉलम टॉप से लेकर बॉटम तक अलाइनमेंट में कितना आउट जा रहा है। मैंने अपने कॉलम के ऊपर क्रॉस हेयर को फॉलो करते हुए मार्किंग कर ली है तो मुझे पता चल चुका है कि मेरा कॉलम तकरीबन 5 मिली टॉप से बॉटम तक आउट है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।